क्या आपको पता है जब कोई स्टार एक्सप्लोड करता है तो उसे क्या कहते हैं? और क्या आपको पता है हमारा यूनिवर्स कितना बड़ा है? फैक्ट नंबर 5, आप जब घूमने जाते होंगे या कहीं ट्रेवल करते होंगे तो आपने इस तरह के छोटे छोटे स्टोन देखे ही होंगे जिस पर लिखा होता है कि दिल्ली 10 किलोमीटर बचा है, पंजाब 5 किलोमीटर बचा है, इसी तरह का लिखा होता है। तो उसके ऊपर आपने कलर भी देखा होगा, वो ऐसे ही कुछ भी नहीं होता है, उस कलर का भी एक मीनिंग होता है। जैसे येलो कलर टॉप पर होने का मतलब ये होता है कि आप किसी मेन रोड पर हो, मतलब किसी हाईवे या नेशनल हाईवे पर हो अभी, जो कि सबसे बड़ी सिटीज और स्टेट्स को कनेक्ट करता है। और अगर इसी जगह पर आप ग्रीन कलर टॉप पर देखते हो तो इसका मतलब आप ये है कि आप किसी स्मॉल रोड या स्मॉल रूट पर हो जो किसी दो गांव को कनेक्ट करता है। फैक्ट नंबर 4, क्या आपको पता है जब कोई स्टार एक्सप्लोड होता है तो उसे क्या कहते हैं? अगर जब कोई स्टार एक्सप्लोड होता है तो उसे हम सुपरनोवा कहते हैं। बट क्या आपने कभी हाइपरनोवा के बारे में सुना है? एक छोटा सा कंपैरिजन करके मैं आपको समझाता हूँ। जब कोई स्टार सुपरनोवा से 1000 गुना ज्यादा एनर्जी के साथ हमारे यूनिवर्स में फटता है तो उसे हम हाइपरनोवा कहते हैं। फैक्ट नंबर 3, आपने अपनी लाइफ में पिगी बैंक का नाम तो सुना ही होगा। पिगी बैंक वही होता है जिसमें आप अपनी सेविंग करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है जो पिगी बैंक है वो पिग का शेप में क्यों होता है और इसे पिगी बैंक ही क्यों कहते हैं? तो मैं आपको बता दूं, क्या है कि जो PYGG नाम की एक क्ले थी जिससे पिगी बैंक बनाया जाता था पुराने जमाने में, यही मेन रीजन था कि पिगी बैंक का नाम पिगी बैंक रखा गया था। फैक्ट नंबर 2, क्या आपको पता है हमारा यूनिवर्स कितना बड़ा है? क्या आपने कभी यूनिवर्स के साइज के बारे में सुना है या पता किया है? मुझे पता है कि आप लोग नहीं जानते होंगे, तो मैं आपको बता दूं, एक्यूरेटली तो नहीं बोल सकते हैं बट अगर अप्रोक्स साइज के बारे में बोले तो हमारा यूनिवर्स 93 बिलियन लाइट ईयर्स बड़ा है। अगर आप सोच रहे होंगे कि 93 बिलियन लाइट ईयर्स मतलब कितना होता है, तो मैं आपको बता दूं, हमारे यूनिवर्स को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रेवल करने में 93 बिलियन लाइट ईयर्स लग जाते हैं अप्रोक्सीमेटली। इसलिए हमारा यूनिवर्स के साइज को साइंटिस्ट ने अप्रोक्स 93 बिलियन लाइट ईयर्स बताया है। तो लास्ट फैक्ट की तरफ बढ़ने से पहले, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फैक्ट नंबर 1, क्या आपके मन में कभी सवाल आया कि प्लैनेट गोल क्यों होते हैं? उसी सेम जगह पर एस्ट्रॉइड गोल नहीं होते हैं। हम जब भी एस्ट्रॉइड और मीटेरॉइड को देखते हैं तो वो बहुत अनइवन शेप में होते हैं। इसका आंसर है कि जो ग्रेविटी होता है उसका बेसिक शेप ही राउंड होता है और उसी के चलते हमारे यूनिवर्स में किसी भी चीज़ को शेप दिया जाता है जो कि राउंड होता है। ग्रेविटी सारे यूनिवर्स में सारी चीज़ों को शेप देती है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि किसी भी चीज़ को शेप देने के लिए उसका साइज बड़ा होना भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन एस्ट्रॉइड का साइज छोटा होता है। इसीलिए ये भी एक मेजर रीज़न है कि एस्ट्रॉइड रैंडम स्ट्रक्चर के होते हैं।